राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की समस्याओं को लेकर क्षेत्र का दौरा किया और किसानों की खराब हुई सोयाबीन मक्का की फसलों का अवलोकन किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान नरसिंहगढ़ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने नरसिंहगढ़ क्षेत्र के किसानों से जनसंपर्क किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको बंद करने से किसान परेशान हैं। साथ ही उन्होंने कमलनाथ सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी के धोखे को लेकर सरकार बनाई। कर्ज माफी का जो उन्होंने वादा किया था वह आज तक पूरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने संबल योजना का स्वरूप बदला, उससे भी आम जनता परेशान है। गत वर्ष भावांतर योजना का भुगतान आज तक नहीं हो पाया। अगर कमलनाथ सरकार ने किसानों की समस्या का हल नहीं किया तो 22 तारीख को पूरे प्रदेश में किसानों के साथ चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान भारी जनसमुदाय उपस्थित रहा। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। कह रहा है कि मुझे कलेक्टर ने बंदी बना दिया। कलेक्टर कह रहा है कि रेत में पैसा खा रहा था। सही मामला तो ये कि रेत का जो धन है लूट का, उसमें बंटवारे के हिस्से की लड़ाई चल रही है। अब मुख्यमंत्री की कोई सुन नहीं रहा। कोई कह रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं, कोई कह रहा है वो रेत के पैसे खा रहे हैं, दारू के खा रहे हैं। मंत्री और मैं कहां से पैसे देता था? मैंने तो जब तक मैं रहा तब तक कमी नहीं आनी थी, और जब गया तो भरा पूरा छोड़ के गया। पता नहीं ऐसा क्या काल पड़ गया, पैसा गया कहाँ, यही समझ में नहीं आ रहा, कहाँ गायब हो गया, कहाँ बिल्ला गया। सर, चुनाव के पहले तो 200 रुपए बिल कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब सरकार बनने के बाद जब बड़े बड़े बिल आए, उसके बाद में आपकी कोई गतिविधि नजर नहीं आई इस प्रकार की कि भाई। अच्छा, हमारे अलावा गतिविधि किसकी ना बर्बाद हो गई। सोयाबीन चला गया, उड़द, मूंग, सब्जियां, और किसान पे चौतरफा ऐसी मार पड़ी है कि वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। मुझे किसानों ने आह्वान किया कि आप आइए हमारी फसल देखिए। आज मैं निकला था भोपाल जिले से, सुरंग किया और सीहोर जिले तक जाऊंगा, नरसिंहगढ़ राजगढ़ जिले होते हुए। वहां भी किसानों ने तय किया कि यहाँ भी हम 12 से लेकर 1 बजे तक सड़क पर बैठे फसलें लेके हम आएंगे। सरकार मान जाती है बहुत अच्छा, नहीं मानती तो फिर आगे आंदोलन करने के लिए बात होंगे। देखिए, मेरे जैसे व्यक्ति को कोई पद से अंतर नहीं पड़ता, ना लेना देना है। मध्य प्रदेश की जनता से, 7.5 करोड़ जनता से भावनात्मक रिश्ते हैं, हमारे परिवार है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देपाल